जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश सैयद वंश को डिस्कस करने जा रहे हैं। सैयद वंश का शासन काल रहा है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। 1414 में खिजर खा सैयद के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है और इस समय तुगलक वंश के अंतिम शासक रहते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 1414 में खिजर खा सैयद के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या और एक नए वंश की स्थापना की जाती है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सिया शासन रहता है अर्थात सैयद वंश सिया संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का प्रथम सिया शासन रहता है सैयद वंश। सैयद वंश को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सैयद वंश के पारिवारिक समूह फैमिली हायरार्की को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश सैयद वंश का शासन काल रहा है 1414 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश। तुर्क सरदार नासिर उल मुल्क नासिर या नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत जो कि सिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे। नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत ये थे तुर्क सरदार सिया वंश के तुर्क सरदार ये है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सिया शासन। ये है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सिया शासन सैयद वंश। तुर्क सरदार नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत के पुत्र थे खिज्र खां सैयद। इनके पुत्र थे खिज्र खां सैयद के द्वारा 1414 ईस्वी को तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए वंश की स्थापना की जाती है सैयद वंश खिज्र खां सैयद। तो इस प्रकार से सैयद वंश के संस्थापक होते हैं नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत के पुत्र खिज्र खां सैयद। ये होते हैं सैयद वंश के संस्थापक। इनका शासन काल रहा है सैयद वंश के अंतर्गत खिज्र खां सैयद का शासन काल रहा है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां सैयद के द्वारा 1414 में खिज्र खां सैयद के द्वारा 1414 में दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है और दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या। यह है तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या और एक नए वंश की स्थापना की जाती है सैयद वंश। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक
नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन काल रहता है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन काल रहता है 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। ये थे तुगलक वंश के अंतिम शासक। 1394 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश के अंतर्गत अंतिम शासक रहते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासन काल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, मध्य एशिया के आक्रमणकारी तैमूर लंग का आक्रमण होता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में 1398 ईस्वी को तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग का साथ देते हैं खिज्र खा सैयद। तो इस प्रकार से 1398 ईस्वी को तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण होता है। इस समय शासक थे तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक और तैमूर लंग का साथ देते हैं खिज्र खा सैयद। 15 दिन तक दिल्ली में तैमूर लंग के द्वारा कत्लेआम मचाया जाता है। अंततः पाकिस्तान का आज का मुल्तान लाहौर तथा दीपालपुर तैमूर लंग के कब्जे पर आता है। तैमूर लंग के द्वारा खिज्र खा सैयद को लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर की सत्ता सौंप कर तैमूर लंग वापस अपने देश चला जाता है अपार धन लूटकर। तो इस प्रकार से नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में हुआ था 1398 को तैमूर लंग का आक्रमण और इसके बाद 1414 को खिज्र खा सैयद के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन अर्थात दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। अंततः 1414 में खिज्र खा सैयद के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या और एक नए वंश की स्थापना की जाती है जो कहलाता है सैयद वंश। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खा सैयद, खिज्र खा सैयद। ध्यान दीजिएगा, खिज्र खा सैयद के द्वारा रैयत ए आला, खिज्र खा सैयद के द्वारा रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की जाती है। खिज्र खा सैयद के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण की जाती है। खिज्र खा सैयद के द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जाती है, क्योंकि खिज्र खा सैयद कहीं ना कहीं तैमूर लंग के द्वारा भारत में स्थापित किए गए थे, इसीलिए खिज्र खा सैयद ने कभी भी तैमूर लंग की अधीनता को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि तैमूर लंग की अधीनता में ही खिज्र खा सैयद ने शासन किया है। खिज्र खा सैयद के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण किया गया, खिज्र खा सैयद के द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई। खिज्र खा सैयद ने भारत में तैमूर लंग के ही अधीनता में शासन किया है। बाद में तैमूर लंग के बाद शासक बनते हैं उनका उत्तराधिकारी पुत्र शाहरुख। तो खिज्र खा सैयद पहले तैमूर लंग को टैक्स भेजते थे, बाद में खिज्र खा सैयद तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को, तैमूर लंग के पुत्र होते हैं शाहरुख, तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को टैक्स भेजते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से खिज्र खा सैयद ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की, इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खा सैयद ने भारत वर्ष में तैमूर लंग तथा उनके पुत्र शाहरुख के अधीनता में ही शासन किया है। तैमूर लंग की अधीनता में इन्होंने शासन किया, बाद में इनके बेटे होते हैं तैमूर लंग के शाहरुख, बाद में खिज्र खा सैयद के द्वारा शाहरुख को टैक्स भेजा जाता है प्रति वर्ष। खिज्र खा सैयद के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उस पर तुगलक वंश के शासकों का नाम लिखा रहता था, अर्थात ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक। खिज्र खा सैयद के द्वारा तुगलक वंश के शासकों के नाम युक्त सिक्के चलाए गए। खिज्र खा सैयद, खिज्र खा सैयद की तबियत खराब होने से मृत्यु होती है और इनके बाद इनका पुत्र बनता है शासक। ध्यान दीजिएगा, खिज्र खा सैयद के पुत्र थे मुबारक शाह,
खिज्र खान सैयद के पुत्र थे मुबारक शाह तथा इनके दूसरे पुत्र थे फरीद खान। मुबारक शाह तथा फरीद खान, ध्यान दीजिएगा, खिज्र खान सैयद के दो पुत्र थे मुबारक शाह तथा फरीद खान। खिज्र खान सैयद के बाद इनका उत्तराधिकारी बड़ा बेटा मुबारक शाह बनता है शासक, दूसरा शासक बनता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासन काल रहता है 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक, 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा। यह है मुबारक शाह। मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश के सबसे प्रतापी शासक होते हैं। मुबारक शाह इनका शासन काल रहा है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। 1421 में इन्होंने अपने पिता खिज्र खान सैयद की मृत्यु के बाद राज्य तिलक करवाया, राज्याभिषेक करवाया। 1433 में मुबारक शाह के द्वारा हरियाणा में एक शहर की स्थापना की गई जिसका नाम है मुबारकबाद। मुबारक शाह के द्वारा 1433 ईस्वी में हरियाणा में एक शहर की स्थापना किया गया जिसका नाम है मुबारकबाद। मुबारक शाह के द्वारा कभी भी रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की गई। मुबारक शाह के द्वारा कभी भी रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की गई। मुबारक शाह के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई और साथ ही साथ मुबारक शाह ने अपने पिता के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर, जिस पर तुगलक वंश के शासकों का नाम इन्होंने खिज्र खान सैयद ने उत्कीर्ण करवाया था, इन्होंने सिक्कों पर से तुगलक वंश के शासकों के नाम को हटा दिया। खिज्र खान सैयद के द्वारा ऐसे सिक्के चलाए गए जिस पर तुगलक वंश के शासकों के नाम लिखे रहते थे, लेकिन मुबारक शाह ने ऐसे सिक्के चलाए जिस पर तुगलक वंश के शासकों के नाम नहीं थे, अर्थात इन्होंने सिक्कों पर से तुगलक वंश के शासकों के नाम को हटवा दिया। मुबारक शाह ने कभी भी रैयत आला की उपाधि धारण नहीं किया, इनके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई। ध्यान दीजिएगा, मुबारक शाह के दरबारी कवि, मुबारक शाह के दरबारी कवि, ध्यान दीजिएगा, मुबारक शाह के दरबारी कवि, मुबारक शाह के दरबारी कवि, मुबारक शाह के दरबारी कवि थे वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। वाहिया बिन अहमद सरहिंदी, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह के दरबारी कवि थे वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह के दरबारी कवि थे वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। वाहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा मुबारक शाह की तारीफ में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह के दरबारी कवि वाहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा मुबारक शाह की तारीख में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ध्यान दीजिएगा, मुबारक शाह के सेनापति थे सरवर उल मुल्क
इसे हम जोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर्वरूल, सर्वरूल मुल्क। मुबारक शाह के सेनापति थे, सर्वरूल मुल्क, सर्वरूल मुल्क। मुबारक शाह के सेनापति थे, सर्वरूल मुल्क, सर्वरूल मुल्क। मुबारक शाह के सेनापति थे, सर्वरूल मुल्क, सर्वर उल मुल्क, सर्वर उल मुल्क अर्थात सर्वुल सर्वरूल मुल्क। तथा उप सेनापति थे मीरन सद्र, मीरन सद्र। सर्वरूल मुल्क मुख्य सेनापति थे तथा उप सेनापति थे मीरन सद्र, कमाल खां, कमाल खां, कमाल खां। मीरन सद्र और कमाल खां मुबारक शाह के थे उप सेनापति तथा सर्वरूल मुल्क ये थे मुख्य सेनापति। मुबारक शाह के शासनकाल में मुल्तान के गवर्नर, मुबारक शाह के शासनकाल में मुल्तान के गवर्नर या मुल्तान के सूबेदार थे बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी थे मुल्तान के गवर्नर, ये थे मुल्तान के गवर्नर या मुल्तान के सूबेदार। ध्यान दीजिएगा, मुबारक शाह के दरबारी कवि थे वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनके द्वारा मुबारक शाह की तारीफ में एक पुस्तक लिखी गई, तारीख है मुबारक शाही। मुबारक शाह के सेनापति थे सर्वरूल मुल्क, सर्वरूल मुल्क तथा उप सेनापति थे मीरन सद्र, कमाल खां। मुबारक शाह के समय पर, मुबारक शाह के समय में मुल्तान के सूबेदार या मुल्तान के गवर्नर थे बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फरीद खां का बेटा होता है, मुबारक शाह के भाई फरीद खां का बेटा था मुहम्मद, मुहम्मद शाह। फरीद खां का बेटा था मोहम्मद शाह। फरीद खां जो कि मुबारक शाह का भाई है, उनका पुत्र था मोहम्मद शाह। खिज्र खां सैयद के पुत्र होते हैं मुबारक शाह तथा फरीद खां। फरीद खां का पुत्र था मोहम्मद शाह। मुबारक शाह का सेनापति सर्वरूल मुल्क जाकर मिलता है मोहम्मद शाह से और मोहम्मद शाह से कहता है कि यदि हमने मुबारक शाह की हत्या कर दिया तो आप अर्थात मोहम्मद शाह बन जाएगा शासक। तो इस प्रकार से सर्वरूल मुल्क तथा मोहम्मद शाह के षड्यंत्र के तहत अब मुबारक शाह की जाएगी हत्या और इस पर सर्वरूल मुल्क का साथ देंगे मीरन सद्र, कमाल खां तथा मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोदी। तो मोहम्मद शाह और सर्वरूल मुल्क के षड्यंत्र के तहत मुबारक शाह की हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और वह व्यक्ति होता है सिद्धपाल। सिद्धपाल नामक व्यक्ति के द्वारा सर्वरूल मुल्क मुबारक शाह की करवाते हैं हत्या। मुबारक शाह की हत्या अर्थात मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को शासक बनाने का श्रेय जाता है सर्वरूल मुल्क, उप सेनापति मीरन सद्र, कमाल खां तथा मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोदी। अगले शासक बनते हैं, तीसरे शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल रहता है 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक, 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक। अब मोहम्मद शाह शासक तो जरूर बन जाते हैं लेकिन ये एक अयोग्य शासक होते हैं। कहीं ना कहीं शासन की मुख्य बागडोर सर्वरूल मुल्क के हाथ में रहती है। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक थे, शासन की बागडोर वास्तविक रूप में सर्वरूल मुल्क के पास होती है। अर्थात मोहम्मद शाह शासक जरूर होते हैं लेकिन वास्तविक शासक होते हैं सर्वरूल मुल्क, सर्वरूल मुल्क। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह
कि तबियत खराब होती है और इनकी हो जाती है मृत्यु। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह के बाद अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह ये होते हैं अंतिम शासक। अलाउद्दीन आलम शाह इनका शासनकाल रहता है 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह तथा सरवरुल मुल्क के षड्यंत्र के तहत सिद्धपाल नामक व्यक्ति के द्वारा मुबारक शाह की हत्या करवाई जाती है। इसमें साथ देते हैं उप सेनापति मीरन सद्र, कमाल खां, बहलोल लोदी। और इस प्रकार से अब मोहम्मद शाह के मंत्री वजीर बन जाते हैं सरवरुल मुल्क। तो मोहम्मद शाह का के शासन काल में वास्तविक शासन की बागडोर रहती है सरवरुल मुल्क के ही पास। मोहम्मद शाह के द्वारा सरवरुल मुल्क को उपाधि दी जाती है मोहम्मद शाह के अब वजीर बन जाते हैं, वजीर अर्थात प्रधानमंत्री बन जाते हैं सरवरुल मुल्क को मोहम्मद शाह के द्वारा उपाधि दी गई है खान ए जहां की उपाधि दी गई है। मोहम्मद शाह के द्वारा अपने वजीर सरवरुल मुल्क को खान ए जहां की उपाधि दी जाती है। साथ ही साथ मोहम्मद शाह के द्वारा मीरन सद्र को उपाधि दी गई, कमाल खां को उपाधि दी गई तथा बहलोल लोदी को भी उपाधि दी गई। मोहम्मद शाह के द्वारा अपने वजीर अर्थात प्रधानमंत्री को खान ए जहां सरवरुल मुल्क को खान ए जहां की उपाधि दी गई, मीरन सद्र को मुइन उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। मोहम्मद शाह के द्वारा कमाल खां को कमाल उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। मोहम्मद शाह के द्वारा बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह का शासन प्रारंभ होता है। मोहम्मद शाह की तबीयत खराब होती है और अगले शासक बनते हैं इनके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु के बाद 1443 ईस्वी को अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह के समय सेनापति रहते हैं बहलोल लोदी। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह के समय इनके सेनापति रहते हैं बहलोल लोदी। अलाउद्दीन आलम शाह के समय में इनके सेनापति रहते हैं बहलोल लोदी सेनापति बहलोल लोदी तथा अलाउद्दीन आलम शाह के गवर्नर रहते हैं दिल्ली में गवर्नर रहते हैं हमीद खां। अर्थात इनके वजीर या प्रधानमंत्री रहते हैं हमीद खां। अलाउद्दीन आलम शाह अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह का शासन काल रहता है 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली में। लेकिन 1443 ईस्वी में ये शासक जरूर बनते हैं, लेकिन 1447 ईस्वी में ये दिल्ली से अपना राजपाट त्याग कर चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बदायूं चले जाते हैं, अपना राजपाट
त्याग कर बदायूं चले जाते हैं। इस प्रकार से दिल्ली में बैठे रहते हैं इनके वजीर हमीद खां। हमीद खां को सत्ता सौंपकर अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी को चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि होते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक, ये बनते हैं 1443 को मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद 1443 को अलाउद्दीन आलम शाह बनते हैं शासक। इनके सेनापति रहते हैं बहलोल लोदी तथा इनके वजीर या मंत्री रहते हैं हमीद खां। 1447 ईस्वी को अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं अपना राजपाट हमीद खां को सौंपते हैं, दिल्ली की सत्ता हमीद खां को सौंपते हैं और स्वयं चल जाते हैं बदायूं। लेकिन यहां पर अब आंतरिक गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह के सेनापति है बहलोल लोदी और वजीर है हमीद खां, अर्थात दोनों के बीच एक सिविल वार प्रारंभ हो जाता है, गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है कि शासक यदि किसी ने किसी दूसरे का हत्या कर दिया तो पहला वाला बन जाएगा शासक, यदि हमीद खां बहलोल लोदी की हत्या कर देता है गृह युद्ध सिविल वॉर के दौरान तो शासक बन जाएगा हमीद खां, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अलाउद्दीन आलम से ने 1447 में सत्ता को हमीद खां को सौंपा और स्वयं चला जाता है बदायूं। तो यहां पर वास्तविक यहां पर शासक होता जरूर अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन यहां पर वास्तविक शासक बनने की होड़ मच जाती है और दिल्ली में गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध होता है हमीद खां तथा बहलोल लोदी के बीच और इस प्रकार से दिल्ली में स्थित है हरियाणा बॉर्डर से संबंधित नरेला, दिल्ली में स्थित है नरेला, नरेला में अंततः होता है नरेला का युद्ध। दिल्ली में स्थित है एक स्थान नरेला, हरियाणा बॉर्डर से टच में है नरेला, नरेला में होता है नरेला का युद्ध 1451 ईस्वी को, 1451 ईस्वी को होता है नरेला का युद्ध। यह युद्ध होता है हमीद खां तथा बहलोल लोदी के बीच और इसमें हमीद खां मारे जाते हैं और विजित होते हैं बहलोल लोदी और इस प्रकार से बहलोल लोदी के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है लोदी वंश। बहलोल लोदी के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है लोदी वंश। चूंकि बहलोल लोदी एक अफगान थे तो इसलिए लोदी वंश कहलाता है दिल्ली सल्तनत का पहला, भारत का पहला अफगान वंश। यह है भारत का पहला अफगान शासन, भारत का पहला अफगान शासन, यह है भारत का पहला अफगान शासन लोदी वंश। लोदी वंश का शासन काल रहेगा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली में गृह युद्ध छिड़ जाता है, वजीर हमीद खां तथा बहलोल लोदी सेनापति बहलोल लोदी के बीच और इनके बीच अंततः 1451 को होता है दिल्ली में एक स्थान है नरेला, नरेला का युद्ध, यह हरियाणा बॉर्डर से संबंधित है। नरेला के युद्ध में बहलोल लोदी विजित होते हैं और अंततः हमीद खां की हो जाती है हत्या। बहलोल लोदी अब बनेंगे दिल्ली सल्तनत के शासक। बहलोल लोदी के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है लोदी वंश, जिनका शासन काल रहेगा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। यह कहलाएगा भारत का पहला अफगान शासन। और यहां पर बदायूं में है, बदायूं में है अलाउद्दीन आलम शाह। ये बदायूं से कभी भी वापस नहीं आते, बदायूं में रहते हुए इनकी मृत्यु होती है 1456 ईस्वी को। हालांकि इनको अब दिल्ली वापस नहीं आना है ना तो शासन करना है और इसी बीच 1451 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत में के अंतर्गत दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना होती है लोदी वंश। तो यह हायरार्की हमने डिस्कस किया है सैयद वंश से संबंधित, इसको एक बार रिवाइज मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। सैयद वंश का शासन काल भारतवर्ष में रहा है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। यह कहलाता है भारत का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला सिया शासन, भारत का पहला सिया शासन। तुर्क सरदार नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत के पुत्र होते हैं खिज्र खां सैयद। खिज्र खां सैयद के द्वारा
1414 ईस्वी को तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या, और ये इनके द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सैयद वंश। खिज्र का सैयद के द्वारा रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की जाती है। इनके द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई। खिज्र का सैयद के द्वारा तुगलक वंश के शासकों के नाम युक्त सिक्के चलाए जाते हैं, अर्थात ऐसे सिक्के चलाए जाते हैं जिस पर तुगलक वंश के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक, सागाजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोजशाह तुगलक के नाम उत्कीर्ण होते हैं। खिज्र का सैयद ने अपने जीवन काल में तैमूरलंग और इनके पुत्र शाहरुख के अधीनता में ही शासन किया है। अर्थात खिज्र का सैयद के द्वारा तैमूरलंग और उनके उत्तराधिकारी पुत्र शाहरुख को प्रतिवर्ष टैक्स भेजे जाते हैं। खिज्र का सैयद की मृत्यु होती है 1421 ईस्वी को। इनके बाद इनका पुत्र मुबारक शाह 1421 को शासक बनता है। मुबारक शाह के द्वारा 1433 ईस्वी को हरियाणा में एक शहर की स्थापना की जाती है जिसका नाम है मुबारकबाद। मुबारकबाद मुबारक शाह के द्वारा कभी भी रैयत-ए-आला की उपाधि धारण नहीं की जाती है। मुबारक शाह के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। तो इस प्रकार से सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था मुबारक शाह। सैयद वंश के सबसे महान शासक कहलाते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक शाह के दरबारी कवि थे वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। वाहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा मुबारक शाह की तारीफ में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाह के सेनापति थे सरवरुल मुल्क, उप सेनापति थे मीरन सदर कमाल खा तथा मुबारक शाह के समय में मुल्तान के गवर्नर, मुल्तान के सूबेदार थे बहलोल लोदी। सरवरुल मुल्क मुबारक शाह के भतीजे मोहम्मद शाह से जाकर मिलते हैं और मोहम्मद शाह को कहते हैं कि यदि हमने मुबारक शाह की हत्या कर दिया तो आप बन जाओगे दिल्ली के शासक। तो इस प्रकार से सरवरुल मुल्क तथा मोहम्मद शाह के षड्यंत्र के तहत सिद्धपाल नामक व्यक्ति के द्वारा मुबारक शाह की करवाई जाती है हत्या। इसमें सरवरुल मुल्क तथा मोहम्मद शाह का साथ देते हैं उप सेनापति मीरन सदर कमाल खा तथा मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोदी। इसीलिए मोहम्मद शाह के द्वारा सरवरुल मुल्क को अपना वजीर प्रधानमंत्री बनाया जाता है और इन्हें खान ए जहां की उपाधि प्रदान की जाती है तथा मोहम्मद शाह का सेनापति बन जाता है बहलोल लोदी। मोहम्मद शाह का सेनापति बन जाता है बहलोल लोदी और उप सेनापति रहते हैं मीरन सदर तथा कमाल खान। मीरन सदर को मोहम्मद शाह के द्वारा मीरन सदर को उपाधि दी जाती है मुइन उल मुल्क। कमाल खान को उपाधि दी जाती है कमाल उल मुल्क। बहलोल लोदी की उपाधि दी जाती है खान ए खाना। अब मोहम्मद शाह के सेनापति बन चुके हैं बहलोल लोदी। तो मोहम्मद शाह की जब मृत्यु होती है 1443 ईस्वी को तो इनके बाद इनका पुत्र बनता है शासक अलाउद्दीन आलम शाह। तो अभी भी अलाउद्दीन आलम शाह के सेनापति होते हैं बहलोल लोदी और इनके वजीर होते हैं हमीद खान। अलाउद्दीन आलम शाह एक बहुत ही अयोग्य शासक थे। ये 1447 में दिल्ली की अधिसत्ता को हमीद खां को सौंपकर, वजीर हमीद खां को देकर चले जाते हैं बदायूं और यहीं पर रहते हुए इनकी 1456 में हो जाती है मृत्यु। अब अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन दे दिया हमीद खां को और सेनापति होते बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी और हमीद खां के बीच छिड़ जाता है गृह युद्ध, सिविल वॉर, और अंततः यहां पर सत्ता की होड़ में, सत्ता को पाने की चाह में बहलोल लोदी और हमीद खां के बीच दिल्ली के नरेला नामक स्थान में, जो कि हरियाणा बॉर्डर से संबंधित है, में 1451 को होता है नरेला का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हैं बहलोल लोदी और हमीद खां की होती है हत्या। यहां पर कभी भी वापस दिल्ली नहीं आते हैं अलाउद्दीन आलम साहब। बदायूं में रहते हुए 1456 में इनकी हो जाती है मृत्यु और बहलोल लोदी के द्वारा हमीद खां की हत्या की जाती है नरेला के युद्ध में और एक नए वंश की स्थापना की जाती है लोदी वंश, जो कि है एक अफगान वंश, क्योंकि बहलोल लोदी एक अफगान शासक होते हैं इसलिए लोदी वंश कहलाता है भारत का पहला अफगान शासन। लोदी वंश का शासन काल रहता है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो यहां पर आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे सैयद वंश और सैयद वंश के बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोदी वंश। ध्यान दीजिएगा।
अब हम सैयद वंश को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सैयद वंश को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम सैयद वंश को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये है दिल्ली, ये है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश का शासन काल रहा है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश के संस्थापक रहे हैं खिज्र खां, खिज्र खां सैयद, सैयद वंश के संस्थापक रहे हैं खिज्र खां सैयद। इनका शासन काल रहा है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। दिल्ली के शासक बनते हैं खिज्र खां सैयद, ये है दिल्ली, दिल्ली के शासक बनते हैं खिज्र खां सैयद, खिज्र खां सैयद। खिज्र खां सैयद के द्वारा 1414 में, खिज्र खां सैयद के द्वारा 1414 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की जाती है हत्या। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की जाती है हत्या। और इसी प्रकार से खिज्र खां सैयद के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सैयद वंश। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल रहता है, इनका शासनकाल था 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में दिल्ली में आक्रमण होता है, भारत में आक्रमण होता है 1398 ईस्वी को, 1398 ईस्वी को तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग का साथ देते हैं खिज्र खां सैयद। तैमूर लंग का साथ देते हैं खिज्र खां सैयद। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली अर्थात भारत में तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी को, इसमें साथ देते हैं खिज्र खां सैयद। तो इस प्रकार से तैमूर लंग खिज्र खां सैयद को भारत की अधिसत्ता सौंपते हैं, जो तैमूर लंग ने स्थान जीता था, जिसमें से तैमूर लंग ने जीता था मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर। तो इस प्रकार से तैमूर लंग ने अपने विजित क्षेत्र मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर को सौंपा खिज्र खां सैयद के द्वारा। अंततः खिज्र खां सैयद के द्वारा 1414 में फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है और नासिरुद्दीन महमूद
तुगलक की जाती है हत्या और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, सैयद वंश। खिज्र का सैयद के द्वारा उपाधि धारण किया गया, रैयत ए आला की उपाधि धारण किया गया। खिज्र का सैयद के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण किया गया, लेकिन इनके द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई। खिज्र का सैयद के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण की गई, लेकिन इनके द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई। खिज्र का सैयद जब शासक बनते हैं तो इनके द्वारा तुगलक वंश के शासकों के नाम युक्त सिक्के चलाए गए। यहां पर रैयत ए आला की उपाधि धारण किया खिज्र का सैयद ने और इनके द्वारा तुगलक वंश के शासकों के नाम युक्त सिक्के चलाए गए, अर्थात ऐसे सिक्के चलाए गए जिसमें तुगलक वंश के शासकों के नाम थे, अर्थात ग्यासुद्दीन तुगलक सागाजी, ग्यासुद्दीन तुगलक सागाजी सिक्के पर लिखा हुआ रहता था। खिज्र का सैयद के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उस पर लिखा गया रहता था तुगलक वंश के शासकों के नाम, अर्थात ग्यासुद्दीन तुगलक सागाजी, मुहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से खिज्र का सैयद के द्वारा रैयत आला की उपाधि धारण की गई, इनके द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई। खिज्र का सैयद के द्वारा ऐसे सिक्के चलाए गए जिस पर सिक्के पर तुगलक वंश के शासकों के नाम लिखे रहते थे। खिज्र का सैयद ने तैमूर लंग के अधिसत्ता को ग्रहण किया था और जब बाद में तैमूर लंग का पुत्र उत्तराधिकारी शासक शाहरुख, इनका पुत्र था शाहरुख, तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, तो तैमूर लंग बाद में उनके उत्तराधिकारी पुत्र शाहरुख को निरंतर प्रतिवर्ष खिज्र का सैयद के द्वारा टैक्स अर्थात कर भेजा जाता था। तो यह है खिज्र का सैयद। अंततः खिज्र का सैयद की मृत्यु होती है 1421 ईस्वी को और इनके बाद शासक बनता है इनका पुत्र मुबारक शाह। तो दिल्ली का अगला शासक बनता है खिज्र का सैयद का पुत्र मुबारक शाह। ध्यान दीजिएगा, खिज्र का सैयद के बाद अगला शासक बनता है दिल्ली का अगला शासक बनता है ध्यान दीजिएगा दिल्ली का अगला शासक बनता है मुबारक शाह का शासन काल था 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक। दिल्ली का अगला शासक बनता है मुबारक शाह। जैसे ही शासक बनता है इनके द्वारा कभी भी रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की गई। सैयद वंश में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करता है मुबारक शाह के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की गई। इनके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है, अर्थात सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का पहला शासक होता है मुबारक शाह के दिल्ली में दरबारी कवि थे वाहिया बिन अहमद सरहिंदी जिनके द्वारा मुबारक शाह की तारीफ में एक पुस्तक लिखी गई है तारीख ए मुबारक शाही
तारीख ए मुबारक शाही। वाहिया बिन अहमद सरिंदी के द्वारा मुबारक शाह की तारीफ में एक पुस्तक लिखी गई है, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह के शासन काल में मुबारक शाह ने मुल्तान का गवर्नर बनाया था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के यहां पर शासक होते हैं, दिल्ली के शासक है मुबारक शाह, दिल्ली के शासक है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुल्तान का गवर्नर बनाया था बहलोल लोदी को। मुल्तान के गवर्नर थे बहलोल लोदी। मुबारक शाह के सेनापति थे मुबारक शाह के सेनापति थे सरवरुल मुल्क और उपसेनापति थे मीरन सदर तथा कमाल खां। सेनापति सरवरुल मुल्क जाकर मिलते हैं मुबारक शाह के भतीजे मोहम्मद शाह से और एक षड्यंत्र के तहत सरवरुल मुल्क तथा मोहम्मद शाह मुबारक शाह की हत्या करवाते हैं सिद्धपाल नामक व्यक्ति से। तो अंततः दिल्ली में हत्या हो जाती है मुबारक शाह की हत्या करवाई जाती है 1434 ईस्वी को। इनकी होती है हत्या सिद्धपाल नामक व्यक्ति के द्वारा। सरवरुल मुल्क सेनापति सरवरुल मुल्क तथा मुबारक शाह के भाई सरवरुल मुल्क तथा मुबारक शाह के भाई मोहम्मद शाह सरवरुल मुल्क जाकर मिलते हैं मुबारक शाह के भतीजे मोहम्मद शाह से और इनके बीच डील होता है कि हमें मुबारक शाह को मारना है। अंततः सरवरुल मुल्क तथा मोहम्मद शाह के कहने पर सिद्धपाल के द्वारा 1434 में हत्या की जाती है मुबारक शाह की और अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोहम्मद शाह, ध्यान दीजिएगा। अगले शासक बनेंगे मोहम्मद शाह। दिल्ली में अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो होते हैं मुबारक शाह के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की जाती है, इनके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। यदि हम बात कर रहे हैं मुबारक शाह की तो मुबारक शाह के द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की जाती है, इनके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की जाती है। और इनके पिता जो थे खिज्र का सैयद, उनके द्वारा तुगलक वंश के शासकों के नाम युक्त सिक्के चलाए गए थे। बाद में इनके द्वारा अर्थात मुबारक शाह के द्वारा सिक्कों पर से तुगलक वंश के शासकों के नाम हटाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोहम्मद शाह, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में अगले शासक बनेंगे मोहम्मद शाह। सैयद वंश के अंतर्गत आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले शासक मोहम्मद शाह, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा देश है भारत, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, ये है पाकिस्तान। सैयद वंश के अंतर्गत अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा है 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। सैयद वंश के अंतर्गत अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह, ये है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के सेनापति बनते हैं बहलोल लोदी। मोहम्मद शाह के सेनापति बनते हैं, इनके सेनापति बनते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो कि थे मुल्तान के गवर्नर, जो कि थे मुल्तान के गवर्नर, ये है मुल्तान। मुल्तान के गवर्नर रहते हैं बहलोल लोदी, जिनको मोहम्मद शाह जब शासक बनते हैं तो बनाते हैं अपना सेनापति। बहलोल लोदी मुल्तान के गवर्नर थे, जो बनते हैं मोहम्मद शाह के सेनापति। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह के द्वारा एक उपाधि दी जाती है, खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि प्रदान करते हैं तथा अपना सेनापति बनाते हैं, तथा उप सेनापति बनते हैं। उप सेनापति बनते हैं मीरन सद्र। मीरन सद्र, मीरन सद्र को मोहम्मद शाह के द्वारा, मीरन सद्र को मोहम्मद शाह के द्वारा मुइन उल मुल्क की उपाधि प्रदान की जाती है, तथा उप सेनापति कमाल खां को, कमाल खां को कमाल उल मुल्क, कमाल उल मुल्क की उपाधि प्रदान की जाती है, तथा सेनापति बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की जाती है। मोहम्मद शाह के वजीर होते हैं, मोहम्मद शाह के वजीर अर्थात प्रधानमंत्री बनते हैं सरवरुल मुल्क। सरवरुल मुल्क, ये वही सरवरुल मुल्क है जिनकी सहायता से मोहम्मद शाह ने हत्या करवाया था मुबारक शाह का, और स्वयं बने थे शासक। सरवरुल मुल्क तथा मोहम्मद शाह के द्वारा 1443 ईस्वी को, 1434 ईस्वी को सरवरुल मुल्क तथा मोहम्मद शाह के द्वारा 1434 ईस्वी को सिद्धपाल नामक व्यक्ति के द्वारा मुबारक शाह की करवाई जाती है हत्या, और इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। सरवरुल मुल्क वजीर बनाए जाते हैं, सरवरुल मुल्क और मोहम्मद शाह के सहयोगी होते हैं मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोदी तथा मीरन सद्र। मीरन सद्र को मोहम्मद शाह के द्वारा मुइन उल मुल्क तथा कमाल खां को कमाल उल मुल्क की उपाधि प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। लेकिन वास्तविक शासन की बागडोर होती है वजीर सरवरुल मुल्क के पास। वास्तविक शासन, वास्तविक शासन सरवरुल मुल्क के पास होती है। अंततः 1443 ईस्वी को मोहम्मद शाह की तबियत खराब होने से दिल्ली में होती है मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं, इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में अगले शासक बनते हैं, इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में अगले शासक बनते हैं अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन, आलम शाह अगले शासक बनते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। इनका शासनकाल रहता है 1443 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल है 1443 को। अब ये अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के बनते हैं सैयद वंश के अगले शासक। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन आलम शाह के सेनापति बनते हैं बहलोल लोदी, सेनापति बनते हैं बहलोल लोदी, इनके सेनापति बनते हैं बहलोल लोदी, तथा इनके शासनकाल में वजीर अर्थात प्रधानमंत्री बनते हैं हमीद खां, प्रधानमंत्री बनते हैं हमीद खां। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के सबसे अयोग्य शासक होते हैं, सबसे बड़े अयोग्य शासक होते हैं। इनके सेनापति रहते हैं बहलोल लोदी तथा वजीर होते हैं हमीद खां। 1447 को अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली के राजपाट को त्याग कर उत्तर प्रदेश के बदायूं आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बदायूं आ जाते हैं। यह है उत्तर प्रदेश का बदायूं। 1447 को अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं आ जाते हैं, और यही रहते हुए 1456 को इनकी होती है मृत्यु। 1456 को यही बदायूं में अलाउद्दीन आलम शाह की होती है मृत्यु। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की सत्ता को हमीद खां, वजीर हमीद खां को सौंप कर स्वयं आ जाते हैं बदायूं। 1447 ईस्वी को अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी को स्वयं आ जाते हैं बदायूं, दिल्ली की सत्ता को वजीर हमीद खां को सौंपकर, और सेनापति रहते हैं बहलोल लोदी। अब सेनापति बहलोल लोदी तथा वजीर हमीद खां के बीच गृह युद्ध होता है सत्ता को पाने की होड़ में। तो इस प्रकार से दिल्ली में हरियाणा के बॉर्डर से संबंधित एक स्थान है नरेला, नरेला, नरेला में होता है, दिल्ली के नरेला में होता है नरेला का युद्ध, दिल्ली में के नरेला में होता है नरेला का युद्ध। 1451 ईस्वी को, 1447 ईस्वी को सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की सत्ता को हमीद खां को सौंपकर, अस्थाई रूप से हमीद खां को सौंपकर स्वयं बदायूं आ जाते हैं, और यहीं पर रहते हुए 1456 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन्हें राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। तो दिल्ली में बैठे हुए सेनापति बहलोल लोदी, वजीर हमीद खां, इनके बीच में गृह युद्ध छिड़ता है, और अंततः दिल्ली के नरेला में होता है 1451 को नरेला का युद्ध। यह युद्ध होता है बहलोल लोदी वर्सेस, बहलोल लोदी वर्सेस हमीद खां के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं बहलोल लोदी। अंततः हमीद खां मारा जाता है, इस युद्ध में हमीद खां की होती है मृत्यु। तो इस प्रकार से दिल्ली में बहलोल लोदी के द्वारा अपनी सत्ता स्थापित की जाती है, और एक नए वंश की स्थापना की जाती है, लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश का शासनकाल चलेगा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोदी एक अफगान शासक था, अर्थात लोदी वंश कहलाएगा भारत का पहला अफगान शासन, लोदी वंश कहलाएगा भारत का पहला अफगान शासन, यह कहलाएगा भारत का पहला अफगान शासन। तो इस प्रकार से बहलोल लोदी के द्वारा हमीद खां की हत्या की जाती है, और एक नए वंश की 1451 ईस्वी को स्थापना की जाती है, जो है लोदी वंश, भारत का पहला अफगान शासन। 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हम डिस्कस करेंगे, लोदी वंश। तो इस प्रकार से ओ
ओवरऑल हमने डिस्कस किया सैयद वंश, आगे हम डिस्कस करेंगे लोदी वंश। जय हिंद, जय भारत।